سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المقين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سلمت بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرے اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و علی محمد و آل وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ہدیے درود پیش کریں صلی اللہ علیہ نبی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور علی نبی پر ایک مرتبہ اور آواز بلند صلی اللہ علیہ نبی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. स्टेज पर तशरीफ फरमा। मोहतरम उलमाए किराम, शोरा इस्लाम ऐकमे इमाम, खुसूसियत के साथ शहजादे गाजी मिल्लत शहंशाह खिताबत ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी अशरफ़ी जीलानी, सालारे मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद सुभानी अशरफ अशरफ़ी जीलानी, महाफिज़े मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद आले गौस हमदानी अशरफ़ी जीलानी, शहज़ाद नबी रहे हुज़ूर अशरफ़ुल उलमा सैयद मुईज़ अशरफ साहब और पीर जाहिद साहब अशरफुल जिलानी और सारी सुन्नी आवाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये बड़ी बहुत बड़ी तारीख है कि आज इस स्टेज पर पूरा घराना जमा हो गया है। गाजी मिल्लत की छत्र छाया शहजादाने गाजी मिल्लत और अब सब इकट्ठा है। ये मंजर हम लोग खुद नहीं देख पाते मगर रायगंज की राय ने दिखा दिया है। अभी आप उससे कब ताजुल उलमा से उनका बेहतरीन और नायाब खिताब समाप्त कर रहे थे और मेरे बाद जो गाजी मिल्लत है बीच में मैं सैंडविच बन गया। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। तवज्जो, तुम्हारे लिए
रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। जिंदगियां बहुत है, तरह तरह की जिंदगी है, किस्म किस्म की जिंदगी है, हर तरह की जिंदगी। मल्टी कल्चर दुनिया में मल्टी स्टाइल लाइफ है। ये हमारे भारत की भी भिन्न भिन्न सभ्यताएं भी हैं, हर दिशाएं भी हैं, और हर दिशाओं की एक सभ्यता है और उसका अपना एक रंग है। जिंदगियां बहुत हैं, मगर मोमिनों तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। तरह तरह की जिंदगी है, किस्म किस्म की जिंदगी है, और ये भी नेचुरल है कि जो जिससे इम्प्रेस होता है उसकी जिंदगी को सुनाता, जो जिससे मुतासिर होता है उसकी जिंदगी को कॉपी करता है, उसका रंग अपनाता है, उसका ढंग अपनाता है, उसका संग अपनाता है, उसकी तरंग अपनाता है, उसी की उमंग अपनाता है। जो जिससे मुतासिर होता है उसको फॉलो करता है, उसकी इताअत करता है, उसकी इत्तेबा करता है, उसको फॉलो करता है, उसके नक्शे कदम पे चलता है, उसकी सीरत अपनाता है, उसका तर्ज अपनाता है, जो जिससे इंटरेस्ट होता है। ये हमारे नौजवान भी देखिए कायदे से बैठ नहीं पा रहे, वजह चलते हो। ये आज के नौजवान ने बेचारे या तो खड़े होंगे या तो लेट जाएंगे, बैठने के चांसेस नहीं है। नमाज का टाइम है, रुकू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पैंट में फोल्डिंग ही नहीं है, जहां से मुड़ना चाहिए वो मुड़ ही नहीं पाता। इतनी टाइट है, इतनी टाइट है कि समझ ही नहीं आता कि पहन के सिलाया है या सिला के पहना है। समझ ही में नहीं आता। क्या कहते हैं इसको, ये जो पहने हुए है क्या कहते हैं? बोलो भैया नाम मालूम है, क्या कहते हैं? जींस। पता नहीं किस जींस से। इबादत का वक्त है, पाकीज़गी भी है, नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि पैर झुकने नहीं दे रही। इतनी दिक्कत क्यों, इतनी मशक्कत क्यों, इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, फिर भी पहने हो, वजह क्या है? हजरत हम किसी से मुतासिर हैं, जिसने जिससे मुतासिर है उसी को कॉपी कर रहे हैं। एक साहब ने कहा, हजरत हमारी शादी 10 दिन के बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी कैसी है। मेरा तो हर कुछ था कहां गए 10 दिन तक, तो कहां गए आदमी का पानी था तो साथ ही में। लेकिन जब 10 दिन के बाद मेरी बीवी ने रियल तौर पर मुंह धुला तो मुझे पता चला ये मेरी बीवी है। अब तक जो कुछ था वो ब्यूटी पार्लर का था। कहने का मतलब ये है कि जो चीज से मुतासिर होता है उसको कॉपी करता है, उसको नक्शे उसके नक्शे कदम को अपनाता है, उसकी तर्ज अपनाता है, उसका रंग अपनाता है, उसका ढंग अपनाता है, उसका संग अपनाता है, उसी की उमंग अपनाता है, उसी की स्टाइल अपनाता है, उसी का तर्ज अपनाता है। जो जिससे इंप्रेस होता है उसी की जिंदगी को चुनता है, उसी को जिंदगी को सिलेक्ट करता है। मैं एक दावत देना चाह रहा हूं, जिंदगी चुनने वालों, जिंदगी चुनने से पहले ये याद रखना, जिसकी जिंदगी तुम चुन रहे हो वह जा कहां रहा है, तुम जिसको फॉलो कर रहे हो उसकी मंजिल क्या है, उसका ठिकाना क्या है, उसका रवैया क्या है, उसका रास्ता क्या है। बल्कि और क्लियर कर दूं, अगर जिंदगी चुनना है तो उसकी चुनो जिसका जन्नत में जाना तय है। जिंदगी चुनना है तो उसकी चुनो जिसका जन्नत में जाना तय है। अगर उसकी जिंदगी चुनोगे जिसका जन्नत में जाना तय है तो पीछे पीछे चल के तुम्हारा भी जाना तय हो जाए। और अगर उसकी जिंदगी चुनोगे जिसका जहन्नम में जाना तय है तो कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हारा भी तय ना हो जाए।
तो जिंदगी चुनना है तो उसकी चुनो, जिसका जन्नत में जाना तय है तो पता चला जिंदगी चुनना है तो रसूल पाक की चुनो। लखत खाना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, जिंदगी चुनना है तो रसूल पाक की चुनो, और जो जिंदगी चुनना है तो जिसे रसूल ने जन्नत ही कहा, जिसका जन्नत में जाना तय है, जिसका जन्नत में जाना तय है उसका चुनो। हजरत अबू बकर, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुल रहमान इब्ने औफ फिल जन्ना, हजरत रसूल अल्लाह कह रही है, बेटी भी या रसूल अल्लाह कह रही है, सहाबा भी या
मोहम्मद जिंदगी वो है जो कामिल रकमल हो मुकम्मल हो और वो मेरे नबी की जिंदगी है, वो मेरे रसूल की जिंदगी है। और भाई के नाम को मैं दावत देता हूँ कि इस पर अपनी तहरीक चला दे। सीरत रसूल, सीरत रसूल की तहरीक चला दे, नक्शे कदम मुस्तफा की तहरीक चला दे। आज हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो सीरत मुस्तफा की कमी है। सीरत मुस्तफा को अपना नज़मुल ऐन बना लो। कुरान तुमसे कह रहा है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए किसी फजूल की जिंदगी ना हो बल्कि अपने रसूल की जिंदगी हो। रसूल की जिंदगी मेरे नबी की तरह किसी की जिंदगी नहीं, मेरे रसूल की तरह कामिल और अकमल किसी की हयात नहीं, मेरे नबी से पढ़ करके किसी की हयात नहीं। दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, बड़ी बड़ी शख्सियतें आई, महान हस्तियां आई, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज पैदा हुई, लेकिन कोई मैदान का बहादुर तो घर में भी नहीं है। और कोई घर का शेर है तो बाहर कुछ देर है। ये ऐसी जिंदगियां समझ में आती है लेकिन कोई कामिल रकमल नहीं। मगर मेरे नबी की जिंदगी देखो, मेरे नबी की तरह तो किसी नबी की जिंदगी नहीं, अरे मेरे रसूल की तरह तो किसी रसूल की जिंदगी नहीं, मेरे पैगंबर की तरह तो किसी पैगंबर की जिंदगी नहीं। आओ नमूने के तौर पर चंद इशारात पेश करता हूँ, देखो कि मेरे नबी की तरह कामिल और अकमल किसी की जिंदगी नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, पैगंबर है, जलीलुल कदर नबी है, पाकीज़ा नबी है, तसव्वुर उनके यहाँ, गिरिया बेजारी उनके यहाँ, इनकी सारी उनके यहाँ, आजिज़ी उनके यहाँ, मुस्तजाब दावत होने का फन उनके यहाँ, सब कुछ हजरत आदम की खूबियाँ, लेकिन उनकी जिंदगी भी मेरे नबी की तरह कामिल और अकमल नमूने हयात रहे। इसलिए कि हजरत आदम की जिंदगी भर चलने वाला ये नहीं जान सकता कि माँ बाप की खिदमत कैसे की, हजरत आदम की जिंदगी को अपनाने वाला ये पता नहीं लगा सकता कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए। इसलिए कि जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ हो उससे तुम माँ बाप की खिदमत का उसूल कैसे सीखोगे। लेकिन आओ मेरे नबी को देखो, वो अब्दुल्ला के जिगर है, आमिना के लाल है, उनकी माँ भी है, उनके बाप भी है, उनकी जिंदगी देखो तो मेरे नबी की तालीम बता रही है। बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा है, माँ वो है जिसके कदमों में जन्नत हुआ करती है, माँ वो है जिसके कदमों में जन्नत होती है। मेरे नबी की तरह कामिल और तवज्जो, मेरे नबी की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मोहतम ईशान नबी, मोहतम ईशान नबी है, हजरत ईसा से भी बाप की खिदमत के उसूल नहीं जान पाओगे। इसलिए तो उनकी इब्नियत की नस्बत हजरत मरियम, वो मरियम के बेटे हैं और फिर वो मुसर्रत भी हैं। एक शादीशुदा आदमी हजरत ईसा की जिंदगी से कोई नमूना नहीं ले सकता। मेरे नबी ने मुतअब्बिर अज़वाजे मुतहररात के साथ जिंदगी गुजार कर अज़वाजे जिंदगी आयली कानून की सारी तफसीलात मुहैया कर दी है। अब किसी को, किसी मोमिन को किसी अदालत, किसी कोर्ट और किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। अज़वाजी जिंदगी में जब भी कोई मसला दरपेश होगा अपने नबी की सीरत को नमूना बना ले। लोग दामाद बनते हैं जहेज के, मेरा नबी 11 खानदान का दामाद बना है। 11 कबीलों में इस्लाम पहुंचा दिया, शहवत के लिए नहीं, हिदायत के लिए, पनाह के लिए। अक्सर बीवियां 50 साल के रास्ते, पता ये चला मेरा नबी शहवत के लिए नहीं, हिदायत के लिए। क्या
तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल रसूल की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तवज्जो है ना, जिनको समझ में आ रहा हाथ उठाओ, जिनको नहीं आ रहा है इनसे करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी है, मुहतशम मुहतम निशान नबी है, अजीम नबी है, ग्रेट नबी है, पावरफुल नबी है, सुपर पावर नबी है। इतने सुपर पावर कि हवाओं पे उनकी हुकूमत, फिजाओं पे उनकी हुकूमत, तारों पे उनकी हुकूमत, चांद पे उनकी हुकूमत, पानी पे उनकी हुकूमत, दरिया पे उनकी हुकूमत, पहाड़ों पर उनकी हुकूमत, खुश होकर पे उनकी हुकूमत, जमीन और आसमान में उनकी हुकूमत, हर जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। हुकूमत वाले, पावर वाले, तसर्रुफ वाले, मनसब वाले, इख्तदार वाले नबी है। मगर कोई मनसब वाला आइडियल बनाए, एक मजदूर कैसे आइडियल बनाएगा, एक फकीर कैसे आइडियल बनाएगा, एक मिस्कीन कैसे आइडियल बनाएगा, एक मजदूर कैसे आइडियल बनाएगा, एक आम आदमी कैसे आइडियल बनाएगा, एक गरीब आदमी कैसे आइडियल बनाएगा। लेकिन आओ उसके मुकाबले में अपने नबी की जिंदगी देखो, तो मजदूर चाहे तो आइडियल बने, हुजूर चाहे तो आइडियल बने, अमीर चाहे तो आइडियल बने, गरीब चाहे तो आइडियल बनाए, तबीब चाहे तो आइडियल बनाए, हकीम चाहे तो आइडियल बनाए, डॉक्टर चाहे तो आइडियल बनाए, वकील चाहे तो आइडियल बनाए, जनरल चाहे तो आइडियल बनाए, कर्नल चाहे तो आइडियल बनाए, सिपाही चाहे तो आइडियल बनाए, फौजी चाहे तो आइडियल बनाए, गरीब चाहे तो आइडियल बनाए, साहिब मनसब चाहे तो आइडियल बनाए, काम करने वाला चाहे तो आइडियल बनाए, हत्ता कि जानवर चलाने वाला ये सोचे कि क्या नबी की जिंदगी मेरे लिए भी आइडियल। तो मेरे नबी ने बकरियां चला के बता दिया, तुम भी मायूस न होना, जानवर चलाने वालों तेरा नबी तेरे लिए भी आइडियल। रोकाना को पछाड़ के बता दिया, आए पहलवानों में तुम्हारे लिए भी आइडिया। अगर हुक्म है एजुकेशन पर भारी है, अदब पर भारी है, आगे बढ़ो। अबू बकर आगे इमाम, मेरे नबी मुक्ति बन गए। अबू बकर को मेरे नबी ने आगे बढ़ाया। अब लड़ाई झगड़ा मत करो, जिस अबू बकर को नबी ने बढ़ाया हो कौन पीछे कर सकता है, कौन पीछे कर सकता है। अबू बकर को बढ़ाया आगे, खुद मुक्ति रसूल होकर के मुक्तदी, अबू बकर इमाम, ताकि दुनिया वालों जान जाओ कि है इमामो, तुम भी मेरे, तुम भी मुझको आइडियल बनाओ। तो आए मुक्तदियों, नीचे नमाज पढ़ने वालों, मैं तुम्हारे लिए भी आइडियल हूँ। अगर मुक्तदा बनना सुन्नत है तो मुक्तदी बनना भी सुन्नत है। मेरे नबी की तरह किसी नबी की जिंदगी नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी रसूल की जिंदगी नहीं। एक दूल्हा है और मैं क्या, एक दूल्हा दे रहा हूँ। मैं ज्यादा इस नेचर का नहीं हूँ कि खर्चा मेरा हो, चर्चा किसी और का हो, खर्चा सुनी मुसलमानों का और इंट्रोडक्शन किसी और का। एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुन लो। तब जब पैगंबर मेरे पैगंबर के बराबर नहीं, जब पैगंबर मेरे पैगंबर के बराबर नहीं तो कोई नंबर कैसे बराबर हो सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा पैगंबर, जब पैगंबर मेरे पैगंबर, मैं नहीं कहूंगा दूसरा, जब
सवाब उन पर खर्च नहीं करना चाहते, ये दलील के काबिल में नहीं है, इतने जलील है। अजीबोगरीब बात है, रायगंज वालों आज तुम्हारी राय लेता हूँ, रायगंज वालों में आज तुम्हारी राय लेता हूँ। अजीबोगरीब लोग हैं, नबी मेरी तरह है, मेरी तरह अच्छा भाई आपकी तरह क्यों है, आप मेरी तरह खाते हैं, मेरी तरह पीते हैं, मेरी तरह सोते हैं, मेरी तरह जागते हैं, मेरी तरह चलते हैं, मेरी तरह शादी ब्याह करते हैं, सब मेरी तरह ही तो करते हैं, इसलिए वो भी मेरी तरह है। मिसाल उल्टी क्यों दे रहा है, मिसाल इतनी उल्टी की तेरी तरह कह रहा है। अच्छा ये बताओ रायगंज में कोई इतना बेवकूफ होगा जो किसी दादा को देखे और किसी पोते को देखे और दादा और पोता की हरकतों को देखने के बाद दादा से कहे कि तुम एकदम अपने पोते की तरह हो, दादा से ये कहेगा कि पोते की तरह, तो सिर्फ नाना को देखे और निवासे को देखे, 80 साल का नाना है, 15 साल का निवासा है, कहे कि तुम नाना से कहे कि तुम एकदम अपने निवासे पर गए हो। अबे नादान, जेनेटिक तौर पर तो कीटाणु है, तो बाद वाले में काम करेंगे, बाद वाले का पहले वाले में थोड़ी। हम करबला के मैदान में अली अकबर को देख कर कहते हैं कि ये हम सभी है रसूल है, ये थोड़ी अली अकबर को देख करके कहते हैं कि रसूल इनकी तरह है। अबे मिसाल उल्टी क्यों दे रहा है, मौलाना अहमद रजा पोस्टर लेके जा रहे थे, बस दिनोस्कर आया, एक साल रास्ते में मिल गए, क्या उसे डॉक्यूमेंट से कहा, अरे हजरत लोग आ रहे, देखो नहीं पैर में चिल्ली बंधी हुई, हालत खराब है, वक्त नहीं मिल रहा है, तुमको रिसीव की कर लो, कहाँ है कहाँ नहीं है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, देखो एकदम। उसने मौलाना साहब ने उठाया, इनका पेपर देखा, जीरोक्स देखा, एक असली कॉपी देखा, असली कॉपी को लेके कहा ये तो एकदम जीरोक्स की तरह है। तशरीफ ला चुके हैं, इनके खिताब को हमें सुनना है और इन्हीं के लिए हम सब बच्चे हैं। जब तक हजरत खिताब नहीं फरमाएंगे तब तक यहाँ से हम सब नहीं जाएंगे, और इनके खिताब के बाद तो फिर किसी सारा बाजार उठ जाता है, इनसे पहले सारा बाजार है और इनके बाद फिर सारे लोगों से बेजार हो, और हजरत मौजूद हो और उनके सामने खिताब करना मुबानी नहीं है तो बहुत सही टाइम पे निकल गया। मैं जो हूँ बस मैंने जो कहा था सैंडविच बनना तकरीबन उसके करीब हूँ, मगर हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान ताजिए मिल्लत अपने पूरे करोड़ फर्द और पूरी अजमत खिताबत के साथ आज भी परचम लहरा रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में तवालत और बरकतें अता फरमाए, क्योंकि हमने देखा है कि गाजी मिल्लत के उम्र के खतीबों का उर्स हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे दरमियान हुज़ूर गाज़ी मिल्लत ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक हमारी सरपरस्ती करें। कितने खतीब किस आफ्ताब के छुपने के इंतजार में खुद ही बूढ़े हो गए, क्योंकि सूरज के सामने सितारे चमकते कहाँ। दूर शरीफ नजराना पेश करें, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना पहले वाला बाद वाले की तरह नहीं होगा।
ہے یہ غلط ہے, یہ خلاف حقیقت ہے, یہی تو بدعت ہے, یہی خلاف شریعت ہے. تو دنیا ہی کی عمر لے لے, جو نبی 1400 سال پہلے آیا, 12 ربیع الاول کو آیا, صبح صادق کے وقت آیا, امینہ کی گود میں آیا, عبداللہ کے آنگن میں آیا, وہ تیری طرح کیسے کھائے گا, وہ تیری طرح کیسے پیے گا, وہ تیری طرح کیسے چلے گا, وہ تیری طرح کیسے شادی کرے گا, وہ تو کھا چکا ہے, وہ تو پی چکا ہے, وہ زندگی گزار چکا ہے. یہ مت کہنا, یہ کہنا خلاف حقیقت بھی ہے, دلالت بھی ہے, بدعت بھی ہے. اگر کہنا ہے, اگر کہنا ہے تو یہ کہنے میں سچا بن جا کہ ہم نبی کی طرح کھاتے ہیں, ہم نبی کی طرح پیتے ہیں, ہم نبی کی طرح سوتے ہیں, ہم نبی کی طرح جاگتے ہیں, ہم نبی کی طرح چلتے ہیں, ہم نبی کی طرح شادی بیاہ کرتے ہیں. اگر یہ کہے گا تو یہ حقیقت بھی ہے, مطلوب شریعت بھی ہے, یہی حکم شریعت بھی ہے, یہی قرآن کا مطالبہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ, کھاؤ رسول کی طرح, پیو رسول کی طرح, جیو رسول کی طرح, چلو رسول کی طرح. تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے. سبحان اللہ, رسول اللہ تمہارے لیے رسول کی زندگی, تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونے عمل ہے, تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونے عمل. یہ وہ زندگی ہے, یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کے بارے میں پوچھا تھا کسی نے حضرت عائشہ سے, اے سیدہ عائشہ, اس سے پوچھا, گھر والے سے پوچھا, کیونکہ گھر والا اندر کا حال بتا رہا ہے, باہر والے تو باہر کا بتا رہے ہیں. عائشہ سے پوچھا کہ رسول پاک کے اخلاق کیسے تھے, خوبیاں کیا تھی, سیرت کیا تھی, روٹین کیا تھا, شب و روز کے معمول کیا تھا, معمولات اور رویے کیسے تھے, صفات کیا تھا, کردار کیا تھا, کریکٹر کیا تھا, سیرت کیا تھی, چرتر کیا تھا. اے عائشہ آپ بتائیے, آپ سب سے ینگ بھی ہیں اور بہت قریب بھی ہیں, آپ بتائیے. گھر والے جب بتتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے ہیں, گھر والے صحیح ہو جائیں گے. تو آپ بتائیے رسول پاک کے اخلاق کیسے تھے, اب بتاؤ, تم ہمیں سمجھاؤ کہ اخلاق مصطفیٰ کی تفصیلات کا احاطہ کون کر سکتا ہے. بڑا سے بڑا قلمدار رسول پاک کی سیرت بیان تو کر سکتا ہے لیکن بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتا, چاہے بہت بڑا محدث ہو, چاہے بہت بڑا خطیب ہو, چاہے بہت بڑا مجدد ہو, چاہے بہت بڑا فقیر ہو, بیان تو سب کر سکتے ہیں لیکن حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. زندگی کے ہزاروں ہزاروں ہزار درجے بڑھ جائیں تو پھر بھی نہیں بیان کر سکتا. حضرت عائشہ سے پوچھا تھا اخلاق مصطفیٰ کے بارے میں, بتائیے تو کیا ہوگا, اعلان نبوت سے پہلے کا بتاتی کہ اعلان نبوت کے بعد کا بتاتی کہ ہجرت سے پہلے کا بتاتی کہ ہجرت کے بعد کا بتاتی کہ سفر کا بتاتی کہ حضر کا بتاتی کہ اپنے گھر کا بتاتی کہ اپنے بستر کا بتاتی کہ اپنے گھر کا بتاتی کہ وہی نازل ہوتی تھی بستر کا پکا بتاتی آہنگر کا بتاتی کہ باہر کا بتاتی بدر کا بتاتی کہ احد کا بتاتی کہ خیبر کا بتاتی کہ خندق کا بتاتی کہ تبوک کا بتاتی کہ مدینے کا بتاتی کہ مکے کا بتاتی کہ غار کا بتاتی کہ جنگ کا بتاتی کہاں کا بتاتی. بتاتی تو بتاتی ہی چلی جاتی مگر نہ بتا پاتی, مگر قربان جاؤ نسبت رسول کا فیض دیکھو, ان کو رسول کی قربت نے فصاحت و بلاغت کا ایسا سمندر بنا دیا, ایک جملے میں سیرت مصطفیٰ کو بیان کر دیا, سمندر کو کوزے میں لے آئی, فرمایا
और मैं कंधे की चोट पे कहता हूँ कि बयान करने का हक है। एक जुमले में बयान कर दिया, खाना खुद बहुत कुरान, मेरे नबी का इखलाक कुरान था। मेरा नबी बैठे तो कुरान, मेरा नबी चले तो कुरान, मेरा नबी सोचे तो कुरान, मेरा नबी बाहर कुरान, मेरा नबी तब भी कुरान जब वो आयशा के साथ है, मेरा नबी तब भी कुरान जब वो खदीजतुल कुबरा के साथ है, मेरा नबी तब भी कुरान जब वो हसन हुसैन को पुष्ट पे सवार कर ले, मेरा नबी तब भी कुरान जब मौला अली को कांधे पे सवार कर ले, मेरा नबी तब भी कुरान जब अबू बकर के साथ यारे गारे यार गारे की सोहबत हो जाए, मेरा नबी सफर में भी कुरान, मेरा नबी जंग में भी कुरान, मदीने में भी कुरान, मक्के में भी कुरान, खाना खुल कहू कुरान, मेरा नबी लम्हा लम्हा कुरान है, मेरा नबी हर हर साथ कुरान है, मेरा नबी हर वक्त कुरान है। कुरान को देखो तो मेरे नबी की जिंदगी समझ में आ जाती है, और मेरे नबी की जिंदगी देखो तो कुरान समझ में आ जाता है। उनका इखलाक कुरान, जैसे कुरान में हर चीज का बयान है, तिबियाना लिखुल शहीद, जैसे कुरान में हर चीज का बयान है, वैसे मेरे नबी में सारी चीजों का इल्म है। वो अल्लामा का मालूम तक उनका लोग वो मकाना वो मयकून का इल्म है। जैसे कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, वैसे ही अल्लाह हो या समो का बिना नाश करते रसूलुल्लाह की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। जैसे कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, ऐसे हयात मुस्तफा को मिटाया नहीं जा सकता। कुरान मेरे नबी का इखलाक कुरान है, इसीलिए सहाबा को कुरान समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए सहाबा को कुरान समझने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एक तरफ कुरान पढ़ते थे तो एक तरफ कुरान देखते थे। जैसे जैसे सीरत सामने से हटती गई दिक्कत शुरू, जब सीरत सामने से हटती है तब कुरान पढ़ने में दिक्कत होती है, जब दिक्कत आती है तो उलूम ईजाद होते हैं, तो जिन उलूम पे तुम्हें बड़ा गुरूर है ये दिक्कतों के नतीजे में आए हैं। जिन उलूम पे तुम्हें नाज है ये दिक्कतों के नतीजे में पैदा हुए हैं। अरे सीरत गरीब नवाज के सामने थी, अब गरीब नवाज से बेहतर कोई कुरान नहीं समझ सकता। सीरत सामने हो तो कुरान नहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं। वो सीरत के बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेमस चंद नमूने और बहुत ही चंद, इसलिए कि हजरत ने कहा है कि बगैर किसी प्रेशर के बोलो, मगर हजरत का आना ही इतना बड़ा प्रेशर है कि पूरा प्रेशर तुम पर ही उड़ जाए। काना खुल को नबी, आजकल हमारे यहाँ का डाइजेशन प्रॉब्लम, हजमा खराब, चाहे वो शोहरत के लिए, चाहे वो दौलत का हो, चाहे वो मनसब का हो, डाइजेशन प्रॉब्लम। दी सफा पढ़ा हजम नहीं होता, पांच सफा पढ़ा हजम नहीं होता, दो चार किताब पढ़ी हजम नहीं होता, डाइजेशन ना माहौल देखेंगे, ना हालात देखेंगे, ना सरकमस्टेंसेस देखेंगे। जो पढ़ा है उसको दूसरे दिन डाइजेशन प्रॉब्लम, इलाफत दिखा पाएंगे पूरी दुनिया में ढिंडोरा होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम। अपना मनसब, अपनी इज्जत, अपने आप का प्रमोशन, अब तो सेल्फिश लोगों ने सेल्फी का दौर चला दिया, और टेक्नोलॉजी को भी अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये दौर आ गया। अपने आप को मनवाना चाहिए, गरीब नवाज रसूल पाक को मनवाने आए थे, यहां सब अपने आप को मनवा रहे हैं। मेरा नबी नबी है, नबियों का नबी है, रसूलों का नबी है, हालात कह रहे हैं कि नबी है, बशारतें कह रही है कि नबी है, कराई
नबी है, मगर मेरा नबी नबी हो के खुद नहीं कह रहा मैं नबी हूँ। मेरा नबी 40 साल तक नबुवत वाला रहा, मगर अल्लाह के हुक्म से उसने नबुवत का ऐलान नहीं किया। ना थोड़ा सा मर्तबा मिला कि लगे चिल्ला में, तो मेरा नबी 40 साल तक नबी होकर के भी ऐलान नहीं कर रहा कि मैं नबी हूं। वारे सीने अलम नशरा लका सदर की वो सकें, इतना सीना ना मेरे नबी के सीने का जवाब है ना उनके मदीने का जवाब। नबी होकर के भी नहीं कह रहा मैं नबी हूं, क्यों? मेरे नबी ने अपनी नबूवत को बाद में मंगवाया, नबूवत बाद में मंगवाया। तवज्जो दे रहा अल्लाह के नाम पर, मेरे नबी ने नबूवत को बाद में मंगवाया, अपनी सदाकत और अमानत को पहले मनवाया। सुभान अल्लाह, 40 साल तक अपनी अमानत और सदाकत को मनवाया, नबूवत बाद में मनवाया। तुमको भी चाहिए कि अपनी विलायत बाद में मनवाओ, पहले अपनी अमानत और सदाकत मनवाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने नबूवत बाद में मनवाया, अपनी सदाकत और अमानत को मनवाया। आज आप सबसे अपनी विलायत मनवा रहे हैं, बुजुर्गी मनवा रहे हैं, विलायत बाद में मनवाइए, पहले अपनी सदाकत और अमानत मनवाइए, पहले चरित्र मनवाइए, पहले करैक्टर मनवाइए, पहले किरदार मनवाइए। जब लोग तुम्हारी जात मान जाएंगे तो भी तुम्हारी बात भी मान जाएंगे। जुमा जुमा आज दिन स्टेज पे आ गए अपने आप को मनवाने के लिए, मोहरम पकड़ने के बुनियाद पर मनवाने के लिए, मंकर खानों की टीम लेकर के मनवाने के लिए, मंकर खानों को हायर करके मनवाने के लिए। ये रवाज पा रही है मेरे नबी की सीरत से सीखो, माशरे में रह के समाज में रह के शाम वालों और यमन वालों से नहीं मनवाया, मक्के वालों से मनवाया है। मक्के वालों से मनवाया, सब लोग यमन है, हाँ अमीन है, सादिक है, फिर जाके बदलने को चढ़े दूसरे दिन चढ़ते हो, दूसरे दिन चढ़ते हो, अरे तुम दो ही साल मनवा के चढ़ते हो। मेरे नबी चोटी पर चढ़ कर के ऐलान करते हैं, पूछते हैं, चेक करते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है क्या मान लोगे? हमने कहा मान लेंगे। क्यों? अरे इसलिए कि ऐ नबी आपने कभी झूठ नहीं बोला है। करैक्टर हो तो ऐसा, किरदार हो तो ऐसा, चरित्र हो तो ऐसा, पाकीज़गी हो तो ऐसी, सदाकत हो तो ऐसी, अमानत हो तो ऐसी, मेरे नबी ने मनवाया। 40 साल के बाद फायदा क्या होगा? 40 साल के बाद जब मनवाएंगे तो अब जो मानेगा वो अबू बकर बनेगा, और जो ना मानेगा वो अबू जहल बनेगा। 40 साल में मनवाया तो अपनी तबलीग और अपने इरशाद के लिए तुम इस नुस्खे पे अमल करो कि पहले माशरे में अपने किरदार और अमानतदारी और तकरे को लटक कर लखन से रसूल अल्लाह की सोच में बसा।